पाकिस्तान की इस वक्त की सियासी तौर पर सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस में संगठन नियुक्तियां कर दी गई हैं। संगठन में नियुक्तियों की जंबो लिस्ट जारी की गई है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दिए थे संकेत, आज रात तक आ सकती है लिस्ट। और कांग्रेस में 21 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। प्रदेश कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक नियुक्ति की गई। 21 उपाध्यक्ष, 48 महासचिव, 121 सचिव की जंबो लिस्ट जारी की गई है। इंतजार इसका किया जा रहा था और इंतजार अब काफी हद तक खत्म होता हुआ। फर्स्ट इंडिया जल्द आपके सामने 21 नए उपाध्यक्षों की लिस्ट बताएगा, किसको कहां क्या जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जो 48 महासचिव बनाए गए हैं उनके नाम आपको बताएंगे, और 121 प्रदेश कांग्रेस के नए सचिव बनाए गए ये भी हम आपको बताएंगे। पहली सूची 85 की जारी हुई थी, अब उसमें बदलाव किया गया है। सूची अब जो जारी की गई है, आरआर तिवारी जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। पहले प्रताप सिंह आचरीवास से जिला अध्यक्ष, और अब जिम्मेदारी दी गई है आरआर तिवारी को। ईसीसी चीफ डोटासरा की टीम का विस्तार हुआ है। सचिन पायलट कैंप के नामों को भी इसमें तरजीह दी गई है, इसमें जगह दी गई है। 85 सचिव पहले थे और अब बनाए गए हैं 121 सचिव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 85 सूची जो जारी की गई थी पहले सचिवों की, उसमें अब बढ़ोतरी कर दी गई है। 121 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी विस्तार की लिस्ट जारी। हमारे साथ जयपुर के नए जिला अध्यक्ष आरआर तिवारी जी जुड़ गए हैं। आरआर तिवारी जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दिवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद दिवेंद्र, आपका, फर्स्ट इंडिया का, सारे साथियों का, कि आप लगातार मेरा साथ दे रहे थे। कांग्रेस को मजबूत करेंगे, जयपुर को भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से मुक्त कराने का पहला लक्ष्य होगा। कांग्रेस के नए पुराने अग्रिम संगठन के साथियों को लेकर के काम करेंगे, जो कुछ कमी है उनको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादे को खत्म करेंगे। जो आरआर तिवारी जी, एक बेहतरीन वक्ता के तौर पर आपकी पहचान रहती है, देश में असमानता फैला रहे हैं, देश को आपस में लड़ा करके केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व प्रयत्न है, राजधानी को इससे मुक्त करेंगे, ऐसा मेरा सोच। आरआर तिवारी जी, बेहतरीन वक्ताओं में आपकी गिनती होती है, लेकिन चुनावी साल में एक जिले की जिम्मेदारी बड़ी होती है। सर, इस जिम्मेदारी के लिए क्या कुछ तैयारी आपकी? जयपुर शहर के 8 विधानसभा और 16 हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे 200 के करीब मंडल अध्यक्ष हैं, 250 हमारे वार्ड हैं। हर कार्यकर्ता अपने मोर्चे पर डट करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुत्सित प्रयासों को हम दूर करेंगे। जयपुर की जनता को उन सारे राहत शिविर जो हमारे राज्य के जननायक अशोक गहलोत ने 10 गारंटी स्कीम दी है, जनता को सामाजिक सुरक्षा का जो वातावरण दिया है वो हम घर घर पहुंचाएंगे। और मेरा लक्ष्य है कि सारे साथी हमारे 8 विधानसभा के हारे जीते सदस्य, हमारे 250 वार्ड के प्रत्याशी, हमारे 250 वार्ड अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, 16 ब्लॉक अध्यक्षों के बलबूते पर हम राजधानी में कांग्रेस का 8 विधानसभा में परचम फहराएंगे। उसमें अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस की सरकार फिर बनाएंगे। आरआर तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जयपुर के जिला अध्यक्ष बनने के लिए। और फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली आपके सामने पूरी लिस्ट जारी कर रहा है, जिला अध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी गई है। बांसवाड़ा की जिम्मेदारी संभालेंगे रमेश पांड्या जी, भरतपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे दिनेश सुपा, भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे अक्षय त्रिपाठी, बीकानेर रूरल में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे विश्नाराम सियाद, वहीं बूंदी में जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं सीएल प्रेमी, चित्तौड़गढ़ में जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं मेहरूलाल चौधरी, चूरू में इंद्राज खींचर, धौलपुर में साकेत बिहारी शर्मा, डूंगरपुर में वल्लभराम पाटीदार, जबकि श्री गंगानगर में अंकुर मांगलानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हनुमानगढ़ के अंदर सुरेंद्र दादरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर सिटी के अंदर आरआर तिवारी जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर रूरल के अंदर गोपाल मीणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि वर्तमान एमएलए भी हैं। जालौर से भंवरलाल मेघवाल को जिम्मेदारी, झुंझुनू से दिनेश सुंडा को, करौली में शिवराज मीणा को,
और हमारे साथ विधायक प्रशांत बैरवा जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक बड़ी लिस्ट जारी हुई है और इसके साथ माना जाए तो संगठन का पूरा स्वरूप भी तैयार हो गया है। आपको लगता है इस स्वरूप के साथ 2023 के चुनाव में चला जा सकता है एकजुटता के साथ? बिल्कुल, देखिए क्या है, संगठन ही नींव होती है पार्टी की। बिना संगठन के पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती। जो गांव ढाणे तक लेके जाता है वो कार्यकर्ता लेके जाता है। मैं समझता हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है जिसपे भार भी रहेगा, और जो हमारा मकसद है वापस से हम कैसे रिपीट करें, आई थिंक संगठन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और अभी भी हमारे जितने भी पिछले विगत कई सालों से जो हम संगठन को विस्तार करने की जो लग रही थी वो आई थिंक सही टाइम पे इन्होंने घोषणा की। उसके लिए मैं आला कमान को और सबको, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डोटासरा जी को, रंधावा जी को, अमृता जी को, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं हमारे एकजुटता आपको हर मंच पे दिखेगी कि आने वाले टाइम में भी हम सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत, क्योंकि महासचिव की जिम्मेदारी आपको दी गई है, जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी को आप किस तरीके से समझते हैं चुनावी साल में? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। पहले भी मेरे को माननीय गहलोत साहब और डोटासरा साहब ने जनरल सेक्रेटरी बनाया था और मुझे जोधपुर का प्रभार दिया था, तो उसके नेतृत्व में हमने पंचायती राज के सब चुनाव जीते थे। आपको मालूम है इतने प्रधानमंत्री हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा आधार रहता है इसमें, जो जिम्मेदारी मिलती है, और जिम्मेदारी उन्हीं को मिलती है जिनके कंधों पे भार सहने की क्षमता होती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब का फर्ज बनता है कि कैसे हम वापस से सरकार में रिपीट करें, जो हमारे बेहतरीन योजना है उसको कैसे गाँव गाँव नंडी नंडी प्रचार करें, और सभी कास्ट और वर्गों का क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंशन हुआ है। मैं समझता हूँ कि जितना ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, आई थिंक वो इतनी ऑनेस्टली काम करेंगे। प्रशांत, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और एक नई जिम्मेदारी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया की तरफ से। तो सुपर एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहा है, जिला अध्यक्षों की सूची हम आपके सामने रख रहे हैं, इसके अलावा सचिव और महासचिव जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जिला अध्यक्षों की बात की जाए तो 25 जिले ऐसे हैं जहां जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। मसलन करौली के अंदर शिवराज मीना, कोटा सिटी के नए जिला अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से हैं रविंद्र त्यागी, कोटा रूरल से भानु प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ से भानु प्रताप सिंह, पाली के नए जिला अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से है आजाद दर्द, वहीं सिरोही से जिलाध्यक्ष है आनंद कुमार जोशी, सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से विराज सिंह गुर्जर, टोंक से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, उदयपुर सिटी के नए जिलाध्यक्ष कांग्रेस के फतेह सिंह राठौड़ और उदयपुर रूरल के नए जिला अध्यक्ष कांग्रेस के KL चौधरी, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दरअसल प्रेसिडेंट्स जिलाध्यक्षों की सूची। इसके अलावा अगर बात की जाए जनरल सेक्रेटरी की, तो जनरल सेक्रेटरी जिनको बनाया गया है, बुराराम सिरवी, मुकेश वर्मा, सचिन सरवटे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, फर्स्ट इंडिया ने संकेत दे दिए थे कि आज शाम तक एक बड़ी जंबो लिस्ट आ सकती है, जंबो लिस्ट आ गई है, अब जरा इसको डिकोड कीजिए। देखिए विजेंद्र, सबसे पहले इंडिया ने संकेत दिए थे, बताया था कि लिस्ट आने वाली है और अब हमारे सामने है। खास तौर पर एक इसमें सबसे बड़ी बात, इस सूची के लिए दिनों तक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में डटे रहे। योगेश जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जगदीश जांगिड़ जी जुड़ गए हैं जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। जगदीश जी, फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एक नई जिम्मेदारी। थैंक यू सर, इस जिम्मेदारी को चुनावी साल में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का और गोविंद डोटासरा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं संगठन के लिए काम करूं पार्टी के लिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कांग्रेस को पूरी ताकत देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा सब लोग, दो लोग मिलजुल के काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 2023 में हम लोग बना लें। जी सर, 2 दर्जन के आसपास उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर इसको देखें? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये ट्रेंड रहा है, जो लोग एक्टिव हैं, कई बार एक्टिव हैं, उनका किस किस जगह चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस की सेवाएं कहां ली जा सकती है पार्टी में,
उस आधार में पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत और इनकी योग्यताओं को देखते हुए किसका कहां का इस्तेमाल होगा उस आधार पर पार्टी ने फैसला किया है। जो लोग शामिल किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, जनरल सेक्रेटरी लेवल पे, लंबे समय से 25-25, 30-30 साल से वो पार्टी में काम कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, ये कांग्रेस के ज्यादातर बैकग्राउंड कांग्रेस संगठन के लोग हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी वो है, छात्र राजनीति से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पार्टी ने मौका दिया है, निश्चित तौर पे पार्टी को ताकत मिलेगी, राहुल गांधी मजबूत होंगे, गोविंद डोडासा मजबूत होंगे, अशोक गहलोत मजबूत होंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी मजबूत होंगे। सर कई नाम मैं यहाँ देख रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो वर्तमान एमएलए हैं तो कुछ ऐसे हैं जो चुनाव लड़े और वो हार गए, मानकर चले कि इनमें जो नाम है उनको संगठन में तरजीह देते हुए 2023 की एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जा रही है जहां कुछ नए चेहरे नजर आ सकते हैं। देखिए ये पार्टी नेतृत्व को फैसला करना, वो क्या फैसला करती है, किसको कौन सी जिम्मेदारी, ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। जी हाँ जगदीश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से। कांग्रेस में प्रादेशिक उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। हमारे साथ नसीम अख्तर जी जुड़ गई हैं, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिली है। नसीम जी सबसे पहले शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। नमस्ते सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने कांग्रेस में मैम वैसे भी कई जिम्मेदारियां संभाली हैं, बतौर विधायक भी आपने जिम्मेदारी संभाली है, तो जरा बताइए पीसीसी उपाध्यक्ष के तौर पर आपको क्या लगता है कि संगठन में काम करते हुए चुनौतियां क्या रहेंगी? सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते साहब का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और हमारे प्रभारी रंधावा जी का, विशेष तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, सीएम साहब का, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पहले भी मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी थी और उसे निर्वहन कर रही थी, आगे भी जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको पूर्णतः निभाएंगे। जी पूर्णतः निभाएंगे। अभी आपको चुनौतियाँ क्या नजर आ रही मैम, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है और कांग्रेस का संगठन उसके विपरीत बड़ा कमजोर है। जी कांग्रेस का संगठन भी बड़ा मजबूत है और कांग्रेस की सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं और उन कामों को लेकर आम जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जाएगी और पूरा विश्वास है जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देकर पुनः सरकार बनाएगी कांग्रेस की राजस्थान। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ वीरेंद्र बेनीवाल जी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई है। सर सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्योंकि उपाध्यक्ष की सूची में 21 नाम है, आपको लगता है कि 21 उपाध्यक्ष राजस्थान में 2023 की रूपरेखा को ऐसी तैयार कर देंगे कि 121 तक ले जाए? जी निश्चित रूप से 121 से ऊपर की सोच के जो बेस्ट एफर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, पार्टी के आला नेतृत्व के हैं, तो 121 से ऊपर निश्चित रूप से ये फिगर इलेक्टेड एमएलए का रहेगा। इसके लिए सभी के बेस्ट एफर्ट रहेंगे। सर आपको सरकार का भी अनुभव है, मंत्री पद का भी अनुभव है और अब उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, बेहतर काम कहाँ किया जा सकता है, संगठन में या सरकार में? देखिए काम करने के लिए हर फील्ड है, हर फील्ड में आदमी अपनी मेहनत करे तो हर फील्ड में अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। सरकार में रह करके वो सीधा सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार की योजनाओं को बनाना, उनको पेश करना और जनता में अपनी उपस्थिति दे करके उसके लिए बहुत अच्छे से काम करना। संगठन में रह करके हम नए लोगों को जोड़ करके संगठन की सोच को आम आदमी जो उससे कुछ दूर अगर रह गया है उस तक पहुँचा करके और आने वाले समय के लिए उसको राष्ट्र को शक्ति देने के लिए प्रेरित कर सके, इसके लिए संगठन की अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वीरेंद्र जी अक्सर ये बात होती थी कि भाई कांग्रेस का संगठन कमजोर है, अब 121 सचिव बना दिए गए, 25 जिला अध्यक्ष बना दिए गए, 21 उपाध्यक्ष बना दिए गए, मानकर चले कि कांग्रेस का संगठन रीढ़ की हड्डी के साथ खड़ा हो गया, दौड़ने के लिए तैयार हो गया। निश्चित रूप से जो जिस भावना के साथ में रीऑर्गेनाइज किया गया स्ट्रक्चर को, डेफिनेटली राजस्थान में जो इतने अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं, आने वाले समय में एक नई ऊर्जा के साथ में उस चैलेंज को स्वीकार किया जाएगा जिसको कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर यात्रा के दौरान, जो कि स्पेसिफिक मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव में थी, जो उन्होंने चैलेंज दिया था, उस चैलेंज का जवाब माकु दिया जाएगा। वीरेंद्र जी मानकर चले कि चैलेंज का जवाब देने के लिए 2023 के चुनाव में मैदान में आप होंगे? ये फैसले पार्टी के हैं, पार्टी जो फैसला लेंगी उस वक्त वो बातें आएंगी, मैं इस बारे में अभी
कुछ भी कहने के लिए ना तो मैं जो अधिकृत हूँ और ना है जो मैं ऐसी कोई जानकारी अभी रखता हूँ। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसीसी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई है, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया जाएगा और 2023 में भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको भी बखूबी निभाया जाएगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, क्योंकि इस सूची को आप देखते हैं तो मैं इसको जितना डिकोड कर पा रहा हूं, मुझे कई ऐसे नाम नजर आ रहे हैं कि जिनको शायद 2023 का चुनाव नहीं लड़ाना, इसलिए संगठन में जिम्मेदारी दी गई। वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव वो लिस्ट जिसके जरिए कांग्रेस के संगठन को मजबूती दी गई है। 21 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया, नसीम अख्तर को उपाध्यक्ष बनाया गया है, गजराज खटाना, हाकम अली, घनश्याम मेहर, बैराराम मेघवाल, जगदीश चंद्र जांगिड़, मंजू मेघवाल, वीरेंद्र बानीवाल, हीरालाल दारंगी, इसके अलावा हंगामी लाल मेवारा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़ गए, महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। स्वर्णिम, ऐसा लगता है कि काम की कद्र होती है, पहले आपको प्रमुख प्रवक्ता और अब एक और जिम्मेदारी दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमूमन कांग्रेस में कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती, उनको पोजीशन नहीं दी जाती। नहीं देखिए विजय, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब से मैं प्रदेश कार्यकारिणी में काम कर रहा हूँ, लगातार मैं ये देखता रहा हूँ कि जिस दिन लोगों ने मेहनत की उन सबको कार्यकारिणी में भी जगह मिली है। जो हमारे जिलाध्यक्ष बनाए गए, लगातार जो हमारे टास्क मिलते रहे, काम होते रहे, आंदोलन होते रहे, उनमें सक्रिय रहे, जो सक्रिय थे उसकी रिपोर्ट बनी, उनके कामों की उसके आधार पर उनका चयन हुआ है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जितने हमारे AICC के प्रोग्राम्स आए और उन प्रोग्रामों में जिन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया, वो जो उभर करके जिनकी नेतृत्व क्षमता सामने आई, उन लोगों को हमारे माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मौका दिया अपनी कार्यकारिणी में। हम आभारी हैं कि जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काम करने वालों को मौका दे रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे प्रभारी रंधावा साहब हैं, उन्होंने काम को देखा, काम को देखने के बाद परखा और जो जिस योग्य उन्होंने पाया और उसको वहां पे उन्होंने तरजीह दी। तो निश्चित रूप से कार्यकारिणी में जितने लोग आए हम सब मिलकर के साथ काम करते रहे अब तक, और अब जब कार्यकारिणी में डेजिग्नेशन मिला है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट हो, संगठन मजबूत हो, इसके लिए हम कार्य करेंगे। स्वर्णिम जी शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अमूमन डिबेट में आपके साथ बातचीत होती है, महासचिव के तौर पर आपको हम जोड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, महासचिव की जिम्मेदारी उनको दी गई है। पुष्पेंद्र जी, इस जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आलाकमान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मुझे नई जिम्मेदारी दी है, इसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाला वक्त कठिनाइयों का है और सरकार को वापस लाने का है, तो हमारी पूरी टीम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो पुष्पेंद्र जी, आपको लगता है कठिन कार्य है सरकार को रिपीट कराना? सर देखिए कठिन कार्य तो होता ही है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो योजनाएं आई है, जो आम जनता को राहत मिली है, जो प्रदेश की जनता को लाभ मिला है, उसके मद्देनजर इस बार राजस्थान के अंदर जो इतिहास था वो इतिहास बदला जाएगा और कांग्रेस अच्छी मेजोरिटी के साथ वापस आएगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में सर माहौल कैसा है? सांगानेर विधानसभा में इस बार हम लोग 30 साल बाद में चुनाव जीतने जा रहे हैं। जितने काम माननीय अशोक गहलोत जी ने या सांगानेर की जनता को जो सौगाते दी है, गवर्नमेंट कॉलेज, सिटी पार्क, इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल, जयपुर चौपाटी, सेटेलाइट हॉस्पिटल, फिसलपुर की पानी की पाइपलाइन की योजना, ऐसी ऐसी योजनाएं दी है जो 20 साल से यहाँ जीतने वाले लोग नहीं दिला पाए थे, और आज हमारे कहने पर ये सारी चीजें हो रही है और जनता बदलाव करेगी। सांगानेर से बदलाव होगा और राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट होगी। पुष्पेंद्र जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आलोक पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। आलोक जी ढेर सारी शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से। हाँ साहब नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे फर्स्ट इंडिया से ये समाचार मिला है, फर्स्ट इंडिया का पहले आभार देता हूँ, बाकी हमारे रंधावा साहब, डोटासरा साहब, सभी का बहुत धन्यवाद। आलोक जी फर्स्ट इंडिया की ताकत ये है कि आप जैसे हमारे साथ सभी नेता जुड़े रहते हैं। और सबसे पहले हम खबर को ब्रेक करते हैं,
सर इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं आप? सर बिल्कुल सही है आपका कहना, और बिल्कुल मैं देखता हूँ फर्स्ट इंडिया लगातार और बहुत इसका फैन हूँ, और ये सबसे तेज दिखाता है। सर जिम्मेदारी को किस तरीके से देख रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपको मिली है? सर इस जिम्मेदारी को हम बखूबी से निभाएंगे और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का प्रयास कराएंगे। आलोक जी अभी कांग्रेस के सामने आपको कुछ चुनौतियां दिखाई दे रही हैं? नहीं कोई चुनौती नहीं है साहब, चुनौती होगी तो उसका सामना करेंगे, लड़ेंगे डट के इनसे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पीसीसी सचिव के तौर पर आप जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। आलोक जी हमारे साथ थे। फर्स्ट इंडिया न सिर्फ इस लिस्ट को डिकोड कर रहा है बल्कि जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि उनके लिए इस जिम्मेदारी के मायने क्या है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। हम आपको 21 उपाध्यक्षों की लिस्ट बता रहे हैं, उसमें कई अनुभवी नाम हैं और कई नए नामों को शामिल किया गया है। सोशल इंजीनियरिंग न सिर्फ सामाजिक तौर पर जातिगत तौर पर किया गया है, बल्कि कांग्रेस में जो कहा जाता है कि इस नेता के कार्यकर्ता हैं उनको भी बखूबी मैनेज करने की कोशिश की गई है।